ये क्या मुरली, ये भी कोई पीने का टाइम है यार। दारू पी है इसीलिए तो सच बोल रहा हूँ यार। ए, रुको, रुको, रुको। ए, वो देखो वही है ना वो। लगता है ये लोग हमें ढूंढ रहे हैं। चलो यहाँ से। एसी को फोन करो। मुरली का फोन आ गया। हाँ मुरली बोल। हेलो, प्रभु को फोन दो। प्रभु को? हेलो प्रभु, तेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। वो अभी मेरे पास है। कंडीशन बहुत सीरियस है, तुरंत ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। उसका जिंदा रहना या मरना तुम्हारे हाथ में। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करोगे तो वो जिंदा रहेगा। प्रभु वो झूठ बोल रहा है, उसने मुरली को मारकर उसका फोन ले लिया होगा। मैं जाकर देखता हूँ उसे। मुझे सब सुनाई दे रहा है। तू कहाँ जाकर देखेगा? अरे मैं 2 मिनट में आता हूँ, मुरली हमारे पीछे ही था। कार्तिक सुन, मेरी बात मान लो, तुम्हारा दोस्त बच जाएगा। मुझे वो लड़की चाहिए, उसे मेरे पास छोड़ दो और तुम्हारे दोस्त को ले जाओ। टाइम इज रनिंग आउट प्रभु, फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें वो लड़की चाहिए या दोस्त? चॉइस इज योर्स। बेंगलोर से चेन्नई के लिए NH4 सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, होस्कोटे जंक्शन। इस रूट में एक इम्पॉर्टेंट जगह है। बेंगलोर से बाहर जाने के लिए यहाँ से 3 रूट हैं। राइट में जाने से मालूर होते हुए हम होसुर पहुँच जाएंगे, जो तमिलनाडु में है। जब उन्हें पता चलेगा कि हम रोड से जा रहे हैं तो वो सारे रास्ते ब्लॉक कर देंगे। बस कार और सभी गाड़ी की चेकिंग होगी और हम बेंगलोर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन चिंतामणि एक छोटी सी जगह है और उधर बस में कोई चेकिंग नहीं होती, और हम सेफ्टी बेंगलोर से चले जाएंगे। स्ट्रेट जाने से पालमनेर पहुंचेंगे, जो आंध्र प्रदेश में है। प्रभु उसे हम नहीं छोड़ेंगे, उसने जैसे हमारी बेइज्जती की वैसे ही उसकी भी होनी चाहिए। उसके एग्जाम के लास्ट दिन ये काम करेंगे ताकि वो बेंगलोर में ना दिखे। क्या हुआ? अंदर से बंद है सर। ऐसी बात है? मैडम, मैडम जरा जोर से धक्का दो। मैडम, मैडम जरा उधर देखो। मैथ्यू, खिड़की तोड़कर किसी ने मैडम को किडनैप कर लिया। सर हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। नहीं, बेटी की जिंदगी का सवाल है। ठीक है सर।
रही है सर। सर मनोज है सर, मनोज कोर्ट जाते वक्त तीनों ने एस्केप करने की कोशिश की सर, जब मैंने उन्हें रोका तो मुझ पर गोली चला दी। माय लेफ्ट आर्म सर, कोई चारा नहीं था सर, सबको शूट कर दिया सर। सर मुझे छोड़ दीजिए सर। एसी मनोज को आने को बोलो। आपको मैटर का कब पता चला सर? 3 महीने पहले की बात है, अचानक रात में मुझे कुछ आवाज सुनाई दी और मैं उठा। मैंने देखा कि मेरे सिक्योरिटी वाले 3-4 लड़कों को पकड़ कर रखे हुए हैं। पूछताछ करने पर पता चला कि वो लड़के मेरी बेटी के क्लासमेट्स हैं। ये लड़के रोज मेरी बेटी को कॉलेज में तंग किया करते थे। सॉरी सर, मैं कुछ समझा नहीं। स्टेट में चार्ज लिए हुए आपको 1 साल हो गया है और कह रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आया। क्या करूं सर, केरला का हूं, पढ़ाई दिल्ली में हुई, एनबीवी भी तमिलनाडु की है और इधर तो सारी भाषा बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी तमिल सब कुछ। वो लड़के रोज कॉलेज में मेरी बेटी को टॉर्चर करते हैं और उस दिन तो वो घर के अंदर तक आ गए। मेरी बेटी बहुत रोई, तब मुझे समझ में आया कि मेरी बेटी को क्या प्रॉब्लम है। वो लड़के ये नहीं जानते थे कि उस लड़की का पिता कौन है। हालांकि उन लोगों को पुलिस स्टेशन में बहुत मार पड़ी। उसके बाद से मैं हमेशा डर में था कि वो लड़के मेरी बेटी से जरूर बदला लेंगे, इसलिए बेटी के साथ हमेशा सिक्योरिटी भेजता था। फिर भी उन लड़कों ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया। ओके, नो प्रॉब्लम। 2 घंटे में मैं आपकी बेटी को बचा लूंगा, आप एक कंप्लेंट लिखवा दीजिए। वैसे तो मैं कंप्लेंट लिखवा देता पर मेरी बेटी उनके पास है, उन्हें पता चला मैं पुलिस की मदद ले रहा हूं तो वो उसकी फोटो लेकर कहीं इंटरनेट में न डाल दें। पॉसिबल। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आप अनऑफिशियली ये काम कीजिए, मेरी बेटी के घर आने के बाद वो लड़के जिंदा नहीं बचने चाहिए, इसलिए मैंने आपको घर पर बुलाया है। आपने मुझे बचाया सर एनकाउंटर केस में। डोंट वरी, अब मेरी बारी है, 1 घंटे में आपकी बेटी को बचा लूंगा। अभी तक पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होगा, 1/2 घंटे में सारे रूट्स ब्लॉक कर देंगे, हमें अभी चलना चाहिए। ट्रेन की टिकट मेरे पास है। वो तेरे पास ही रख। सुनो पटेल, एक किडनैपिंग केस है, 4 लड़के तमिलनाडु से हैं, उन पर ऑलरेडी यूपीसी का केस लगा। यस सर। संजय नगर पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर से बात करो और उसका लोकल एड्रेस पता करो, ये अनऑफिशियल है, कोई केस फाइल मत करना। उस लड़की का मोबाइल नंबर भेज रहा हूँ, उसका 3 महीनों का कॉल डिटेल तुरंत निकालो। सर घर चलना है? नहीं, पहले पुलिस स्टेशन चलो, कुछ काम है, उसके बाद हम घर चलेंगे। जी सर। ए, प्रभु किधर है? तुम कौन हो? अरे तुम कौन हो? हम कौन है? क्या सर? सर ईवीजिंग केस के बाद ऑनर ने लड़कों से घर खाली करवा दिया सर, उस केस में प्रभु नाम का एक लड़का शामिल है। उसके सारे डिटेल्स चाहिए मुझे। धर्मा। हाँ सर। घर से फोन आया था? नो सर। केक शॉप जाइए, चॉकलेट केक में ज्यादा क्रीम लगवाइए और 6 कैंडल्स भी लीजिए। ओके सर। आज मेरे बेटे का बर्थडे है और हैप्पी बर्थडे अर्जुन लिखवाइए। ओके सर। ऐसे किडनैपिंग केस को हम कभी टॉलरेट नहीं कर सकते। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग। लड़की को सेव करने के बाद सभी लड़कों को एनकाउंटर में टिपका देंगे। जी सर, तभी सब डरेंगे। वो लड़की की कॉल डिटेल्स का क्या हुआ? मुझे जल्दी चाहिए वो। मनोज जी अभी आता ही होगा। कब ज्वाइन कर रहे हैं? I'm joining back today, sir. अब तुम्हारा हाथ कैसा है? ठीक है सर। उन लड़कों के फोन नंबर्स को ट्रैक करो। सर बहुत ही स्लो प्रोसेस है, कम से कम 5 घंटे लगेंगे। आप खुद ही फोन कीजिए तो जल्दी हो जाएगा। सर एक आदमी है, वो कहता है कि हम जिसे ढूंढ रहे हैं अगर उसकी वॉइस सैंपल हो तो उसे कहीं भी ढूंढ सकते हैं। उसके पास एक सॉफ्टवेयर है सर। हैकर? आप एक हैकर की मदद लेना चाहते हैं? सर IBB उसे काफी केसेस देती रहती है सर, और ये तो उस लड़की की जान बचाने के लिए है सर। क्या हम 4 लड़कों को हैंडल नहीं कर सकते? जाओ। जी सर। और हाँ, वो दीपक की इंक्वायरी का क्या हुआ? आप लोग जाइए। उस लड़की को किडनैप करके किधर लेके गए? कौन सी लड़की सर? तुम्हें नहीं पता? सर प्लीज सर, सर सर सर। अभी याद आया कौन सी लड़की? रितिका सर। गुड, अब सुनो, 1 घंटे में उस लड़की को बचाने वाला हूँ, उसके बाद प्रभु और उसके फ्रेंड्स का एनकाउंटर करने वाला हूँ, गारंटी, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो जल्दी से कहानी सुना और कॉपरेट कर, और मैं ये कहकर तुम्हें छोड़ दूंगा कि तुम्हारा इस केस से कोई रिलेशन नहीं है, यू विल बी फ्री। हाँ पार्वती। डैडी। हाय मेरा चिकू। I'm ready.
आई एम ऑल्सो रेडी। डैडी आपने मेरे लिए बेंटन गिफ्ट लिया है? हाँ बेंटन गिफ्ट ले लिया और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। What surprise, Daddy? That I'll show you when I come, no? देखो अभी डैडी बिजी है, जल्दी आ जाऊंगा सुपरमैन की तरह। ओके ओके बेंटन मैन नॉट सुपरमैन, बी ए गुड बॉय। सर अभी बेंटन में सर बहुत सारी नई अच्छी वैरायटीज आई हैं सर, बहुत सारी वैरायटीज और बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं सर, आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। बोलो सर, मेरी बात का भरोसा कीजिए सर, वो मेरे फ्रेंड्स नहीं थे सर, सर वो हमारी स्टेट से थे इसलिए मैंने उन्हें पीजी अकोमोडेशन दिलवाया था सर, सर लेकिन आज वो मुझे फंसा कर यहाँ से भाग गए सर। रितिका मेरी गर्लफ्रेंड है सर और हम दोनों को अलग करने के लिए प्रभु ने बहुत कोशिश की सर, और जब रितिका भी नहीं मानी सर तो उसने रितिका को किडनैप किया सर। प्रभु अच्छा लड़का नहीं है सर, सर वो दिन भर चरस गांजा पीता रहता है सर। और मैंने सच कहने के लिए कहा था, झूठ क्यों बोल रहे हो? सर मैं सच कह रहा हूँ सर। मुझे सिर्फ सच बताना, ओके? शुरू हो जाओ। सर रितिका और मैं, हाथ हाथ हटाओ। हाँ बोलो। सर मैं और रितिका FYGC से एक साथ पढ़ते थे सर, और वो हमेशा मेरे पास आकर बैठती थी सर। कॉलेज में सभी दोस्त बोलते थे वी आर मेड फॉर ईच अदर सर। सब कुछ ठीक चल रहा था और हम दोनों बहुत खुश थे, तभी प्रभु ने हमारी जिंदगी में एंट्री की सर। हेलो, माय नेम इज प्रभु, आई एम कमिंग फ्रॉम चेन्नई। आई अर्लियर बिफोर आई एम स्टडीड। ये तो हमारे जैसा इंग्लिश बोलता है। मैं वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है। मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाऊंगा, हिंदी बोल सकता हूँ, अंग्रेजी अच्छी नहीं है मेरी। जस्ट दिस वंस। मेरा नाम प्रभु है, मैं चेन्नई से आया हूँ। यहाँ कई लोगों के मुंह से सुना है कि उन्हें 70% मिले, 80% मिले, मैंने तो बहुत मेहनत की लेकिन मुझे 42% मिले। लगता है पढ़ाई लिखाई में तो ये अच्छा है, स्पीच अच्छी देता है। मैं BSc फिजिक्स के लिए एडमिशन ले रहा था लेकिन डिग्री नहीं मिली। इसके अलावा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यूनिवर्सिटी की बॉक्सिंग टीम में था, मैं सब कुछ करता हूँ लेकिन वैसे मैं कोई भी एक काम पूरा नहीं करता, मैं बहुत ही सिंपल इंसान हूँ। थैंक यू ब्रो। अच्छा तूने हिंदी में बात की, वैसे मेरी भी इंग्लिश पुअर है यार। चेन्नई में रहते हो क्या? हाँ चेन्नई में। सुट्टा मारता है क्या? सर प्रभु ने अपने सारे स्टेट के लड़कों को एक करके पूरा गैंग बना लिया था सर। भाई लोग क्या आइटम है? अरे उधर देख, ये तो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं। हेलो येलो टी शर्ट, हाँ तेरे को, अरे भाई तेरे को बुला रहे हैं। हाय, ये लड़के हमारी क्लास में पढ़ते हैं। दीपक वी आर कमिंग फ्रॉम चेन्नई, हियर वी आर स्टेइंग अलग अलग जगह पे, ऑल स्टे वन रूम, यू अरेंज प्लीज फॉर अस। आप हिंदी में ही बोलिए, हम हिंदी समझते हैं। ये भी आप ही के स्टेट से है, इसका घर उधर ही है। ओह तब तो तुम अरेंज कर पाओगे, हम सब साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जस्ट फ्यू मिनट्स, आई विल कम एंड जॉइन यू। गो अहेड। सुनिए प्रभु, आई लाइक द वे यू स्पोक द अदर डे। बस बैंगलोर कमिंग बिकॉज हम अच्छे अच्छे आइटम पटाकर पब में जाकर दारू पीकर हैप्पी रहने के लिए ही आए हैं। मैं तो दीदी के घर में रहता हूँ, कुछ नहीं कर पाता हूँ, सो यू ओनली अरेंज। ओके पहले गलत इंग्लिश बोलना बंद करो यार। अच्छा नहीं लगता, देखो मेरे दोस्त कैसे डर कर भाग गए सब। हेलो बॉस, हमारा मजाक उड़ा रहे हो? हम तो चाहते थे कि हम सब साथ में रहे, तुमसे मदद मांगी, कोई एडवाइस नहीं, समझा क्या? चुप कर यार, सारे आइटम इसी के पास है, समझा कर। ब्रो तुम तो चेहरे से ही जेम्स बॉन्ड दिखते हो, हमारे लिए रूम अरेंज करना तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। ओके आई विल हेल्प यू आउट, कहीं पीजी के लिए देखता हूँ, अरेंज करता हूँ, एडवांस कम भी दिया तो वो भी चलेगा। पीजी का मतलब पेइंग गेस्ट। और तुम लोग जैसे सोच रहे हो वैसे आइटम को उधर ले जा नहीं सकते, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके आंटी, मैंने आपको बताया था ना वो मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, वो जो एडवांस मैंने आपको दिया था वो इन्हीं के लिए दिया था। दीपक तुम्हारे फ्रेंड्स हैं इसलिए मैं अलाउ कर रही हूँ, मेरे यहाँ ड्रिंक्स लेना मना है। क्या बोल रही है यार ये? कह रही है यहाँ दारू पीना मना है। पढ़ाई के बिना जी सकते, दारू के बिना हम कैसे जिएंगे, वो तो हमारी जिंदगी है यार। स्मोकिंग भी मना है, सिगरेट नहीं पी सकते, रात को 8 बजे तक खाना खा लेना, और गेस्ट भी घर पे कोई गेस्ट नहीं ला सकते, रात के 10 बजे गेट बंद हो, रात को 10 बजे गेट क्लोज कर दिया जाएगा।
ओके आंटी। ये बुढ़िया तो मेरे बाप से भी खड़ूस है, एडवांस लेने से पहले रूल्स बता नहीं सकती। डोंट वरी अबाउट दैट गाइस, दिस इज हॉल और ये है बेडरूम का दरवाजा। मेरे बाप से 10 लाख रुपए डोनेशन के लिए पैसे लेकर इधर क्यों आया? अगर ऐसे ही रहना पड़ेगा तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं सच में वापस चला जाऊंगा। आंटी ऐसे ही बोलती है यार, और हम भी आंटी के लिए शरीफ ही रहेंगे। यार कुछ बोलना चुप क्यों है तू? बट पीकर बिंदास अपने घर चली जाती है। ए मुरली, क्या हुआ, पिएगा नहीं क्या? क्या हुआ? हमारे माँ बाप कितनी तकलीफ उठाकर हमें पढ़ाते हैं और हम उनकी मेहनत की कमाई पीने में उड़ा देते हैं। अरे यार मैं बता रहा हूँ, ये हमारी इज्जत की पूरी वाट लगा देगा। क्या इतना सोच रहा है? निकल जा यहाँ से, बाहर चले जा तू, निकल। हे, मैं तुम्हारे जैसे पैसे वेस्ट नहीं कर सकता। यहाँ 300 रुपए की बियर लेने से अच्छा है बाहर 70 रुपए में क्वार्टर खरीद के पियेंगे, इससे पैसे भी बचेंगे ना। उस दिन के बाद से हम लड़कों को अवॉइड करने लगे सर। हम जिस भी क्लब में जाते थे वो उधर आकर हमसे बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन हमने उन्हें टोटली अवॉइड कर दिया था। तब एक दिन एक लड़के ने रितिका को डांस के लिए बुलाया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके दोस्त ने मुझसे बदतमीजी की सर। तुम्हें ये सब कैसे पता? हाय प्रभु। हाय। What are you doing here? अंदर नहीं आ रहे? शू का वेट कर रहा हूँ, कार्तिक लेने गया है। अरे मैंने बताया था ना शूज कंपलसरी। लेकिन ये तो नहीं बताया था ना कि बिना शूज के पब के अंदर छोड़ेंगे ही नहीं। प्रभु FB पे मैंने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, मुझे ऐड करना। ओके। भूलना मत। रितिका उससे क्लोज होना चाहती थी सर, और मैं जानता था कि उसे इस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, इसलिए मैंने उसे बाहर बुलाया। वो आई लेकिन प्रभु भी साथ आया, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया। दीपक गाड़ी में पार्क करता हूँ तुझे। ये बैंगलोर है, मेरा शहर है, कहाँ पार्क करना है तुम्हें नहीं पता। तुम दोनों बैठो अंदर, आगे जाइए आगे जाइए। उस दिन आसपास की सारी पार्किंग्स फुल थी, चर्च स्ट्रीट, म्यूजियम रोड, मार्क स्ट्रीट। यहाँ पार्क कर दूँ क्या? नहीं। ओके ओके। अरे तू, आई जस्ट पार्क। सॉरी ब्रो। गाड़ी पार्क करने के बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो दोनों वहाँ नहीं थे सर। मैंने कॉफ़ी शॉप से भी फ़ोन किया, लेकिन रितिका अननोन नंबर्स उठाती नहीं थी, इसलिए प्रभु को फ़ोन किया, बट उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। घर जाकर फेसबुक से मैसेज भेजने को सोचा सर, बट काफ़ी देर हो चुकी थी। मैंने सोचा प्रभु रितिका की लाइफ बर्बाद कर देगा, लेकिन उसने कर दी। दीपक कहाँ गया था तू? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए तुमसे। पता है कॉफ़ी शॉप के एंट्रेंस पे कितनी देर इंतज़ार किया? वहाँ जगह नहीं थी तो कहीं और बैठे थे हम। तुझे फ़ोन किया था, तेरा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। रितिका ने कहा डोंट वरी दीपक आ जाएगा। तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ क्यों था? बैटरी बहुत लो थी ना तो स्विच ऑफ कर दिया। तेरा बहुत वेट किया, तू नहीं आया तो मैंने उसे ऑटो में ही घर छोड़ दिया। एक्चुअली ये मेरा ही प्लान था। अच्छा? हाँ यार, दिस गर्ल इज अ बिग पेन। दिन भर लड़कों के साथ रहना और लेट नाइट पार्टीज अटेंड करना, इतना मॉडर्न कल्चर मुझसे सेट नहीं होता यार। अब तक मैंने एंजॉय किया, अब तू मजे ले। तेरी वजह से मैं बच गया यार। हाय रितिका। हाय प्रभु। हाय। Good morning, class. Move. Please settle down. कल के चैप्टर के बारे में अगर यहाँ कर क्यों बैठे हो? प्रभु के पास बैठूंगी तो मुझे सब्जेक्ट्स में हेल्प भी मिल जाएगी। सब्जेक्ट समझ के क्या करना चाहती हो? कल तुम नहीं आए, हम दोनों बात कर रहे थे, वो सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा था। ऐसे तो मैं भी बात कर सकता हूँ। अब बस करो यार, तुम तो 6 के 6 सब्जेक्ट्स में फेल हो गए और तुम करोगे? He's a genius. उसकी बात सुनकर मैं बहुत इरिटेट हो गया था सर, और मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। रितिका सर, आंसर माय क्वेश्चन। दीपक, आई सेड आंसर माय क्वेश्चन। दीपक आंसर। गोरिल्ला सर। व्हाट यार, ये तो बिल्कुल ही डफर है सर। इज इट चिंपैंजी? दीपक लोग मुझ पे हंस क्यों रहे हैं? तो ये है डफर, पूरी डफर। गेट आउट फ्रॉम माय क्लास। रितिका। ए रितु, सॉरी यार। मैं उस टाइम गोरिल्ला का फोटो देख रहा था यार, इसलिए मैंने गोरिल्ला कह दिया। आई ट्रस्टेड यू, यू मेड अ फूल आउट ऑफ मी। वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? अच्छा तो तुम्हें उसकी फिक्र है कि वो क्या सोचेगा, इसलिए लड़कियों को पागल कहते हैं। क्या कहा? गुस्सा क्यों होती हो? उस दिन पब में प्रभु ने लड़कों को क्या भगा दिया, तुम तो उसको हीरो समझने लगी। उन लड़कों को बैंगलोर में सिर्फ 2 चीज चाहिए, एक आइटम और एक दारू। तुम्हें पता है प्रभु ने मेरे साथ कौन सी बैट लगाई हुई है? कौन सी बैट लगाई? तुम्हें पटाकर। सॉरी, तुम झूठ बोल रहे हो। रितिका एक फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ,
फिर भी तुम्हें उस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा रितिका। आई कांट हेल्प यू। अब मैं उससे बात नहीं करूंगी। प्रभु के बारे में मैंने जो जो रितिका से कहा वो रितिका मान गई। उस दिन मैं बहुत खुश था। उस दिन शाम को मेरे घर से फोन आया कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और मैं उसी रात को अपने गांव चला गया। थोड़े दिन बाद जब मैं वापस लौटा अपना बैग पीजी वालों के रूम में रख कर रितिका को मैं प्रपोज करना चाहता था सर, लेकिन लव यू आई लव यू टू प्रभु। ये कैसे हुआ? वही तो मुझे भी समझ नहीं आया सर। आओ दीपक, हम अभी आए हैं। हाँ मैं भी। दरवाजा नॉक करना चाहिए था ना? मेरे तो सुनते ही होश उड़ गए सर। जब उसने कहा कि दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था ना, मुझे तो बहुत बुरा लगा सर। क्या हुआ तुझे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु ने ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से रितिका उसको आई लव यू कह रही थी। उसके बाद भी तुम उसके साथ क्यों रहे? जो भी हो सर, रितिका मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं उन लड़कों के साथ ही रहकर उन दोनों का रिलेशनशिप तोड़ने की कोशिश कर रहा था सर, लेकिन एक दिन प्रभु बारिश में भीग कर घर पे आया। खाना खाने के टाइम पर आ जाना चाहिए था ना? जाइए आंटी, मैं खा लूंगा। आइंदा लेट आओगे तो गेट ही नहीं खोलूंगी और खाना भी नहीं दूंगी। क्यों एडम के साथ खूब मजे करके आया लगता है? अरे इसके तो चेहरे पे चोट लगी है। उसके चेहरे पर बहुत चोट लगी थी सर, उसके चेहरे पर। मुझे लगा कि कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम हुई होगी उसके साथ। सर फेसबुक अपडेट देखने से लगता है कि ये कंफर्म लव मैटर है सर। उसके फैमिली के बारे में पता किया सर। चेन्नई में उसके जीजा एक क्रिमिनल लॉयर हैं सर। इस लड़के पर केस भी दर्ज है सर, एसआई को मारने का। एसआई को मारा? यस सर। और केस 4 महीने पहले ही हुआ है सर। ओके थैंक यू सर। यस मनोज। Why you did this, sir? मैं कुछ समझा नहीं। आपने क्यों नहीं बताया कि आपकी बेटी उस लड़के से प्यार करती थी इसलिए उसके साथ भाग गई? लेकिन ये सब तुम्हें कैसे? आप नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। आपने झूठ कहा इसलिए इन्वेस्टिगेशन में हमारा काफी वक्त बर्बाद हो गया सर। अभी तक मैं उस प्रेस मीट को भूल नहीं पाया हूँ। प्रूफ के साथ बात करना समझे? हमारे पास प्रूफ है, ये देखिए। मेरी उस हरकत के बाद से मीडिया मेरे अगेंस्ट हो गई। मुझे डर था कि इस बात को प्रेस मेरे खिलाफ यूज करेगी, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। मुझसे गलती हो गई, पर मेरी हेल्प करो प्लीज। अभी तो बस इतना ही कह सकता हूँ। नाउ एट लीस्ट टेल मी व्हाट यू एक्चुअली नो। 1 महीने पहले नाइट मीटिंग के बाद मैं घर लौट रहा था। तेज बारिश हो रही थी, रोड में उस समय कोई भी नहीं था, और तब एक लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी। गाड़ी रोको। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड बाइक में जा रहे थे, अब मेरी बाइक खराब हो गई है। आप हमें जंक्शन तक लिफ्ट दे सकते हैं? मैं अकेला होता तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड भी साथ में है, प्लीज। ठीक है आ जाओ। थैंक्स सर। प्रभु, नो प्रभु। वो मेरे डैड हैं। इस लड़के को तो वही मार डालता मैं, लेकिन बेटी के सामने कुछ करना नहीं चाहता था, इसलिए कुछ नहीं किया। मैंने उसी समय सोचा कि रितिका को अपनी बहन के घर भेज दूंगा, लेकिन मेरी बहन ने कहा कि एग्जाम के बाद वो उसे ले जाएगी। आज लास्ट एग्जाम था, शाम को भेजने वाला था, तब तक ये सब हो गया। आज रात 12 बजे से पहले बिना किसी को पता चले उसे पकड़ना होगा। क्या कहा? रात को 12 बजे से पहले क्यों? रात को 12 बजे वो 18 साल की हो जाएगी, बालिग हो जाएगी वो। इसीलिए मैंने किडनैपिंग का बहाना बनाया ताकि आप तुरंत एक्शन लेंगे। सर आप क्यों चिंता करते हो? यू आर अ वेरी पावरफुल मैन, आप कुछ भी कर सकते हैं। सही है मैं बहुत पावरफुल हूँ, लेकिन मीडिया वाले तो यही कहेंगे ना कि मैंने जबरदस्ती एक बालिग लड़की को घर में बंद करके रखा है, और ऐसा करने से मेरा पॉलिटिकल और सोशल इमेज पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। इसलिए चुप बैठा हूँ। ठीक है सर, एक केस फाइल कर दीजिए। नहीं नहीं, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये किडनैपिंग केस नहीं है, ये आपका पर्सनल इशू है। आपके फॉल्स एनकाउंटर केस से मैंने आपको बचाया था। मुझे मेरी बेटी चाहिए। मेक श्योर यू ब्रिंग हर बैक टू मी। ओके सर, आई डू इट।
उन लड़कों ने वृंदावन एक्सप्रेस में चेन्नई के लिए टिकट बुक किया है सर। उनके साथ रितिका नाम की एक लड़की भी है सर। ओके, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। स्टेशन के चारों तरफ हमारे आदमियों को तैनात कर दो सिविल ड्रेस में। मुझे लगा कि उनका कोई बड़ा प्लान है इसलिए आपकी बेटी को उठाया, लेकिन बेचारे उनको ये भी नहीं पता कि अपने ही नाम से टिकट बुक करने से फंस सकते हैं। बच्चे हैं बेचारे। हाँ सर, हमारा एक आदमी बुक स्टॉल पे खड़ा है सर। वो सिविल ड्रेस में है सर और कुछ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर यूनिफॉर्म में है सर। यूनिफॉर्म वालों को हटा दो, सिर्फ सिविल ड्रेस वालों को रहने दो। ओके सर। स्टेशन पे उस एज ग्रुप के सभी लोगों को चेक कीजिए और आप दूर से उस पे नजर रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए। आप किस प्लेटफॉर्म पे हैं? प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर S6 के सामने। ट्रेन छूटने में और कितनी देर है? ट्रेन छूटने में 5 मिनट बाकी है सर। ठीक है, आप एंट्रेंस पे आइए, मैं बस पहुंच ही रहा हूं। या आई रीच्ड एंट्रेंस के पास आ जाओ। कितनी देर है ट्रेन छूटने में? ट्रेन छूटने में 4 मिनट बाकी है सर, लेकिन वो दोनों आए नहीं सर। वो लोग लास्ट मिनट में आके चढ़ेंगे। या टेल मी। ओके ओके सर, हमें जिन दोनों की तलाश है वो दोनों दूसरे एंट्रेंस पे दिखाई दिया सर। गर्लफ्रेंड है? हाँ गर्लफ्रेंड। निकल। डैडी कब आ रहे हो आप? हे हे बर्थडे बॉय, मैं जल्दी आ जाऊंगा। आप जब तक नहीं आओगे मैं केक नहीं काटूंगा। ठीक है, मम्मी को फोन दो। जल्दी आना। मम्मी। हाँ पार्वती, मैंने कितनी बार कहा है अर्जुन से फोन मत कराओ, मैं ड्यूटी पर हूँ। मैं कैसे कह सकता हूँ कि कब और कहाँ मुझे ड्यूटी पर जाना पड़ेगा? ऐसे सवाल मत पूछो, मेरे लिए भी अर्जुन का बर्थडे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्यूटी खत्म होते ही आता हूँ। आई लव यू, बाय। सर ट्रेन में अगर गए तो गए कैसे होंगे? चलो हॉस्पिटल आ गया, हॉस्पिटल उतरो। सब ठीक है ना? सब ठीक है। रितिका फोन देना, तुम जाओ अंदर बैठो। उस एसआई ने आकर तुम्हारे पति को उठाया ना? हाँ सर। फिर क्यों कह रही हो कि उसने नहीं उठाया? मैं उसे देख लूंगा। अरे क्या सर, आप भी हमेशा पुलिस वालों से पंगा लेते रहते हैं। सर मैं पुलिस स्टेशन बिना जाए भी रह सकता हूँ, लेकिन उसे तो कोर्ट आना ही पड़ेगा ना, तो डर उसे लगना चाहिए। तुम चिंता मत करो, शाम को तेरा पति घर आ जाएगा। क्या हुआ प्रभु? वो साथ में अभी कहाँ है? होस्कोटे जंक्शन के पास चाय की दुकान में। hey, पहले स्टेट से बाहर निकलो। बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे और होसूर के रास्ते से आएंगे। अरे वो रूट बहुत लंबा है। नहीं जीजू, उन्हें पता चल गया होगा हम ट्रेन से नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो रास्ता ब्लॉक करवाएंगे। और हर कोई जानता है कि NH4 सबसे शॉर्टेस्ट रोड है, इसलिए इस रूट पर चेकिंग तो होगी। होसूर रोड फ्री मिलेगा, हम मालूर के रास्ते से आसानी से पहुंच जाएंगे। ये दिमाग पढ़ाई में लगाया करो। क्या कहा जीजू? मैंने कहा ये दिमाग पढ़ाई में लगाना चाहिए, संभल कर जाना। होसूर चेकपोस्ट को अलर्ट कर दो, हॉस्पिटल स्टेशन को भी इन्फॉर्म कर दो। उन लड़कों की फोटोग्राफ सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो। ओके, एंड उस नंबर को ट्रैक करते रहना। यस सर। ओके सर, आई विल डू इट सर। सर ये कांस्टेबल रामू है, डिसिप्लिन के लिए कमिश्नर साहब ने इस साल इसको अवार्ड दिया है। ओके चलो यहां से निकलते हैं, यहां ज्यादा देर रुक नहीं सकते। बोलो सर, उन लड़कों ने फोन स्विच ऑफ कर दिया सर। और थोड़ी देर में वो लोग फोन स्विच ऑन करेंगे, कीप ट्रैकिंग। सर सिम चेंज कर दिया सर, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हम IMEI नंबर से भी ट्रैक कर सकते हैं सर। छोटे बच्चे। यू इडियट, मुझे हर वक्त रनिंग कमेंट्री मत दो। वो लोग
अभी किधर है वो लोकेट करो। ओके सर। वो नया नंबर मुझे एसएमएस करो। आई विल डू इट सर। प्रभु पुलिस आ गई। अब क्या करें हम? डरो मत, टेंशन मत लो। अगर डर जाओगे तो पकड़े जाओगे। हिंदी पिक्चर में नहीं देखा क्या? हमें पकड़ने के अलावा उनके पास बहुत सारे काम है। कूल हो जाओ। क्या हुआ? कूल हो रहा हूँ मैं। नोकिया का चार्जर है क्या? सर को चार्जर दे दो। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही कूल हो रहा है। चलो चलते हैं। सर होसकोटे जंक्शन पर ही मोबाइल का लोकेशन है सर। एड्रेस पता करके मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ सर। ओके। फोन टैप हो रहा होगा और हम मालूर से जाने वाले थे इसलिए वहां चेकिंग बढ़ा दी होगी। हम NH4 से जाएंगे, वो हमारे लिए सेफ भी है। सिम बदलने के बाद वो IMEI से ट्रैक करेंगे, इसलिए मैंने फोन वहीं छोड़ दिया था। IMEI नंबर से कैसे टैप कर सकते हैं? सिम कार्ड से हैंडसेट नंबर का पता लगा सकते हैं सर। सभी हैंडसेट का एक यूनिक नंबर होता है सर, वही IMEI नंबर है सर। और उस हैंडसेट से जितने भी नंबर्स को फोन किया गया है हम पता लगा सकते हैं सर। और उस सिम से हम नए हैंडसेट का भी पता लगा सकते हैं। और उसी तरह से उस हैंडसेट के IMEI नंबर से जितने भी सिम यूज किए गए हैं हम उसका पता लगा सकते हैं सर। और इस तरह से उस सिम कार्ड से जितने भी आउटगोइंग और इनकमिंग नंबर्स हैं उनका हम पता लगा सकते हैं सर। ये एक तरह से चेन रिएक्शन होता है सर। हम कुछ ही घंटों में उनके सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ट्रैक कर सकते हैं सर। चेन्नई के कितने नंबर से? सर उस सिम कार्ड और IMEI नंबर को ट्रैक करने पर कुल 28 नंबर मिले हैं सर, और उसमें से 4 चेन्नई के हैं और उसे आधे घंटे पहले ही एक्टिवेट किया गया है। 9003090345 सर। कुछ दिनों बाद तुम्हारे डैड मान जाएंगे, फिक्र मत करो। अरे यार ये नंबर किसी को कैसे पता चला? सुनो फोन स्विच ऑफ कर दो। हेलो हेलो प्रभु, कौन बोल रहा है? नए सिम के लिए कांग्रेचुलेशंस, प्लान अच्छा है। मैं सीपी मनोज बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। अंडर एज लड़की को भागा कर ले जाने से क्या होता है पता है तुमको? 7 साल की सजा, 7 long years। सर अक्यूज के सेल के पास मनोज सर भी है। उसके डैड ने कंप्लेन की है। अगर उसके डैड कंप्लेन करेंगे तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा, इसलिए सिंपल है, उसके डैड ने कंप्लेन नहीं की। सर और एक्यूज एक ही लोकेशन पर है। बिना कंप्लेन बिना FIR उस लड़की का फोन टैप करना और मेरा फोन ट्रैक करना ये भी गलत है, आप फंस सकते हैं। उसके डैड को बचाने के चक्कर में आपकी डेथ हो सकती है। उस लड़की को मुझे हैंड ओवर कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, वरना पकड़ तो लूंगा मैं तुम्हें और तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, गारंटी। पहले मुझे पकड़ कर दिखाओ, उसके बाद मुझे बर्बाद करने के बारे में सोचना। सर या आप और एक्यूज एक ही लोकेशन पर है सर। डोंट शाउट, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। सर वो लगभग आपसे 300 मीटर की दूरी पर है सर, बहुत देर से एक ही जगह पे सिग्नल दिखा रहा है सर। पुलिस हमारे मोबाइल ट्रैक कर रहे हैं, इसलिए इस वक्त मुझे अपना फोन स्विच ऑफ करना होगा। फोन ऑफ कर दिया, अब वो हमें ट्रैक नहीं कर पाएंगे।
हेलो सर, होस्पेट से मैं इंस्पेक्टर धनंजय बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर, जिन लड़कों की फोटो आपने मुझे भेजी थी उन लड़कों को मैंने देखा था। आपने उन्हें पकड़ लिया? नो सर, तब तक आपने मुझे फोटो नहीं भेजी थी। तो आपने उनका बाइक नंबर नोट कर लिया है? बाइक नहीं सर, कार में गए हैं सर। कार में? यस सर, ब्लैक कलर की सेडान टाइप कार है सर, तमिलनाडु का रजिस्ट्रेशन है। हेलो सर, हाईवे पेट्रोल को इन्फॉर्म कर दो, नाकाबंदी करने के लिए कहो, गाड़ी ब्लैक कलर। हमारा नया नंबर उन्होंने ट्रैक किया, मतलब उन्हें पता चल गया कि हम NH4 से जा रहे हैं। आगे पुलिस गाड़ियां चेक करी होंगी, हमें कुछ सोचना होगा। जितने भी काले रंग की कार आ रही है सबको रोको और उनके डॉक्यूमेंट चेक करो। ये लोग तो सिर्फ काले रंग के कारों को चेक कर रहे हैं, कहीं पुलिस को हम पर शक तो नहीं हो गया? फोन ऑन करके सबको मैसेज करो। कार्तिक का मैसेज आया, हाईवे पे सभी काले रंग की गाड़ी को चेक कर रहे हैं। उमेश अपने घर पर होगा ना? हाँ। उसे SMS भेज बंगारपेट स्टेशन आने के लिए। सर, हम जो नंबर ट्रैक कर रहे थे उसमें से एक नंबर से बंगारपेट नंबर पर SMS भेजा है सर। कम टू बंगारपेट बस स्टेशन, ऐसा SMS है सर। अच्छा ठीक है, पेट्रोल को इन्फॉर्म कर दो कि वो लड़का बस स्टैंड आएगा। बंगारपेट में हम गाड़ी चेंज कर लेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे जिंदगी भर प्रॉब्लम नहीं होगी। उमेश आ गया। हाँ हेलो, बंगारपेट हाईवे पेट्रोल रिपोर्टिंग सर, गाड़ी को पकड़ लिया सर। और वो लड़के? एक ही लड़का है सर। ए साहब को बताओ बाकी लड़के किधर हैं? वो कहाँ गए मुझे नहीं पता सर, और पता होगा तो भी मैं क्यों बताऊं? मुझे मत मारिए। नहीं बताएगा? मैं नहीं जानता हूँ। नहीं बताएगा? बोलो। मुझे पता नहीं सर, मत मारिए सर, मैं नहीं जानता सर वो लोग कहाँ है। नहीं बताएगा तो मैं तुझे। एक घंटे पहले मुझे एक SMS आया था सर, मुझे बंगारपेट स्टेशन आने को कहा था। मुझे कार देकर प्रभु और रितिका ट्रेन में चले गए सर। कौन सी ट्रेन में गए? मैं नहीं जानता सर। वृंदावन एक्सप्रेस, वृंदावन एक्सप्रेस सर। मूर्ति, वो वृंदावन एक्सप्रेस है? हाँ सर। अगला स्टेशन कौन सा है? कुप्पम सर, यहाँ से 18 किलोमीटर है। फास्ट फास्ट। लव के लिए फ्रेंड्स को हेल्प करते हो? ये सिर्फ लव नहीं है सर, इसके पीछे एक कहानी है सर। एक बार प्रभु बारिश में भीग कर आया था सर। क्या हुआ प्रभु? बारिश में बाइक बिगड़ गई थी,
लिफ्ट मांगने के लिए उसके पिताजी की गाड़ी मिली। पता नहीं रितिका का क्या हुआ होगा। उसके डैड ने कल उसे कॉलेज नहीं भेजा तो? ए, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू चुप कर। अरे तुम लोग उसके डैड को नहीं जानते हो यार, बहुत खतरनाक आदमी है वो रितिका को कॉलेज नहीं भेजेगा। जब तक मैं उसका दोस्त था मैं उसका ख्याल रखता था, और अब तुम्हारी वजह से उसकी लाइफ स्पॉइल हो गई। ओए अब बस कर, तू मेरी बात सुन, हम सब तेरे साथ हैं, जो होगा देखा जाएगा, ज्यादा होगा तो लड़की को उठा के ले आएंगे। क्या बोलता तू? पी रखी है क्या? तू जितना सोच रहा उतना नहीं पी मैंने। जैसे दीपक ने बताया, रितिका को उसके पिताजी ने कॉलेज नहीं भेजा और प्रभु बहुत अपसेट रहता था। अरे मुंह लटका कर क्यों बैठा यार, हमारी टीम जीत गई। यार उसकी गर्लफ्रेंड घर में बंद है, वो कहां से खुशी मनाएगा। ए बहुत ज्यादा बोल रहा है यार, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ ना। चल यार जाकर पीते हैं। हाँ हाँ चलो चल के पीते हैं, आज मैं स्पॉन्सर करूंगा, तू करेगा। और उस दिन प्रभु ने बहुत पी ली थी सर। प्रभु अब बस भी करो, बहुत ज्यादा। आज हम लोग अपने इलाके के मिनिस्टर के जन्मदिन पर उनको बधाई देते हैं। उनके जन्मदिन पर उनके छोटे भाई की तरफ से खाना पीना फ्री है, जो जिसको खाना है जी भर के खाइए और जितना पीना है। अरे यार प्रभु बस भी कर यार। मिनिस्टर साहब और उनके छोटे भाई की तरफ से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मिनिस्टर साहब के जन्मदिन की खुशी में मैं एक गाना पेश करता हूँ। इसीलिए तो हम लोग यहाँ लाए, जब सब कुछ फ्री मिल रहा है तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। रितिका का फोन आया था, कह रही कि मिल नहीं पाएगी तो जान दे देगी, बहुत रो रही थी। अब दिमाग खराब हो रहा है मेरा, उसे मिलना है यार। दोस्त तू टेंशन मत ले, बिल्कुल टेंशन मत ले, रितिका से मिलना ना, मैं तुम दोनों को मिलवाऊंगा, मैं मिलवाऊंगा, चल मेरे साथ। अरे कार्तिक मजाक नहीं है ये, अगर पकड़े गए तो सबकी बैंड बज जाएगी। तो चुप कर, हम दोस्त हैं तो दोस्ती निभाएंगे, समझा? तुम लोग समझोगे नहीं, तुम सब लोग जाओ, मैं नहीं आता। यार ये छोटी सी दीवार है, स्कूल में इससे ऊंची ऊंची दीवारें हमने कूदी है, समझा? आजा लग जा काम में। ऑल द बेस्ट भाई। भाइयों हम लोगों ने बहुत पी रखी है, हमें घर चलना चाहिए। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे भी भाई अकेला है, उसे सपोर्ट करना चाहिए, समझा? हम खुद को तो सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं, उसे क्या सपोर्ट करेंगे। आराम से। प्रभु बात हुई क्या? वो मुझे फ्लाइंग किस दे रहा है, हैप्पी मूड वाला। मैं तुम दोनों को मिलवाऊंगा, तुम दोनों को एक होने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, फिकर नॉट भाई। लगता है सगुन अच्छा है, घर की लाइट भी ऑन हो गई है। भाई तू नीचे उतर। ए कौन है वहाँ, कौन शोर मचा रहा है? ए कोने में कौन है, क्या हुआ? ए हाँ क्या करो यहाँ पर? आई थिंक सम प्रॉब्लम, वी गो होम। ओके अब क्या घर जाएंगे? क्या अब हमारा क्या होगा कालिया? ये सब करने की क्या जरूरत थी, चुपचाप कॉलेज से सीधा घर नहीं जा सकते थे? ऐसे लोगों से दोस्ती क्यों करते हो? हाँ चलो ठीक है घर पे जाओ, बोला ना घर जाओ। ए बोला ना घर जाओ। मैं आपके कॉलेज के अंदर तो नहीं आया ना? रितिका के पिताजी के कहने पर सबको कॉलेज के एंट्रेंस पे अंडरवेयर पे खड़ा कर दिया और बहुत बेइज्जती की। मेरा पेट कितना निकल गया सर, छोड़िए। और आप इन बदमाश लड़कों की तरफदारी कर रहे हैं? तुम्हारे चक्कर में मैं 4 दिन से वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब रोकने के लिए कॉलेज मैनेजमेंट ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इंस्पेक्टर मानने को ही तैयार नहीं था। ये हमको घूर क्यों रहे हैं? उसके बाद हमने प्रभु के जीजा जी को यहाँ बुलाया, वो चेन्नई में बहुत बड़े वकील है सर। मैजिस्ट्रेट के कहने से मैं इन लोगों को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा केस बनाता। सिर्फ एग्जाम देने के लिए ये लोग यहाँ आ सकते हैं, अगर उसके अलावा ये लोग यहाँ दिखाई दिए तो मैं इन्हें अरेस्ट कर लूंगा। हमें अच्छी तरह पता है क्या करना है, आप फॉर्मेलिटीज कीजिए। ठीक है इस पर साइन करवा दीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि उस लड़की के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। ए,
अच्छा वो तूने पेपर पे साइन कर दिया, मुझको लगा कि तू फिल्मी हीरो की तरह फिल्मी स्टाइल में अभी बोलेगा कि प्यार कभी झुकता नहीं और मैं कभी साइन नहीं करूंगा। ए सुनना, इसको गाड़ी से बाहर फेंक दे। ए, तुम्हें क्या हो गया? ये सब कैसे दोस्त हैं इसके? उस लड़की के पिताजी ने अपना पावर यूज करके इनको धमकाया, घर के मालकिन ने धमका कर घर से बाहर निकाल दिया, उसे कैसे जाने दे? वो लोग इसको सपोर्ट करने की बजाय उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। प्रभु, वो लड़की तेरे से प्यार करती है? बता। अगर वो मुझे प्यार नहीं करती तो रात को 12 बजे अपने घर नहीं बुलाती। तो फिर लड़की को उठा ले, जो होगा देख लेंगे। हाँ दीदी, तभी उसके बाप को समझ में आएगा। क्या है, वो लोग वैसे ही परेशान है, तुम और परेशान कर रहे हो। मेरे भाई को उन लोगों ने कैसे मारा आपने देखा नहीं? क्यों, उस लड़की को उठाने से सब ठीक हो जाएगा? अभी तो इसका केस किसी तरह से सॉल्व किया है, और अब तुम क्या चाहती हो, नया केस चालू करूं क्या? प्रभु, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? मेरी वजह से इन सबको प्रॉब्लम हो रही है। खैर छोड़ो। प्रभु, तू कुछ भी मत सोच, लड़की को उठा लेते हैं। प्रभु, उसे हम नहीं छोड़ेंगे, उसने जैसे हमारी बेइज्जती की वैसे ही उसकी भी होनी चाहिए। जीजू, उमेश वापस जा रहा है। अंकल, मैं वापस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, हमने उस लड़की को उठाने का फैसला किया है। पागलों जैसी बात मत करो, इतने बड़े इशू को किसी तरह सॉल्व किया, उस लड़की को भूल जाओ। मेरे बिना वो अपनी जान दे देगी, और मैंने उसे साथ देने का वादा किया है। आप चाहते हैं मैं उसे छोड़ दूं? तो क्या करना चाहते हो, उसे यहाँ लाकर तुम उसकी देखभाल कैसे करोगे? ये दोनों अलग बातें हैं जीजू, अगर अभी मैंने कदम नहीं उठाया तो आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर अभी तुम मेरे पैसे पर जी रहे हो और उसे शादी करने की सोच रहे हो। सुनिए जी, ये सिर्फ लड़की भगाने की बात कर रहा है, शादी करके बच्चा पैदा करने की नहीं। उस लड़की के एग्जाम्स खत्म होते ही उसे दूसरे शहर भेजने वाले, इसीलिए वो इधर आना चाहता है। जब तक ये सेटल नहीं होता, लड़की हमारे घर में गेस्ट बनकर। उसके बाद रितिका को चेन्नई लेकर आने के लिए हम लोगों ने प्लान किया सर। गुड प्लान। सर, सिग्नल रेड है, ट्रेन स्लो हो रही है सर। अच्छा, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इसका ध्यान रखना, इसे किसी भी फ्रेंड को फोन मत करना। ओके। अनरिजर्व कंपार्टमेंट कहाँ है? आप उधर नहीं जा सकते हैं। एसी कंपार्टमेंट को पार करने के लिए अगले स्टेशन के सिग्नल तक रुकना पड़ेगा। अगले स्टेशन के लिए सिग्नल है? हाँ है। उधर गाड़ी रुकेगी? हाँ रुकेगी। क्या हुआ? कुप्पम रेलवे स्टेशन पे एक गाड़ी। कुप्पम रेलवे स्टेशन? हाँ, आपकी बेटी उस लड़की के साथ वृंदावन एक्सप्रेस में जा रही है। तुमने कहा वो सेंट्रल रेलवे स्टेशन में है, और आप कह रहे हो ट्रेन में सफर कर रहे हैं, मुझे गाड़ी भेजने के लिए बोल रहे हो, बात क्या है? मैं भी उसी ट्रेन में हूँ। कुप्पम स्टेशन पे रुकते ही मैं आपकी बेटी को लेकर आ जाऊंगा, 15 मिनट में हम वहाँ पहुँचने वाले। मनोज, तुम कुछ भी करो, लेकिन पब्लिक अटेंशन में मत आना। एक लड़की को फोर्सफुली ले आने से पब्लिक अटेंशन तो होगी, बट डोंट वरी, आई मैनेज। कितना सीरियस मैटर है तुम जानते हो ना? सॉरी, जो ठीक लगे करो, पर मेरी बेटी को वापस लेकर आओ। ठीक है। स्टेशन आ गया, टीसी से बात करते हैं। प्रभु, I'm thirsty. रितिका? Yes. Hi. I'm Manoj Menon. Come. Hey. Let's go home. Hey, मेरा हाथ छोड़ो। तुम हो कौन? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हाँ? उस लड़के से बचाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने मुझे भेजा। चलो, let's go. Come. Don't shout, वरना तेरे बॉयफ्रेंड को यही टक्कर दूँगा। Shut up. प्लीज मुझे छोड़ दो।
रितिका रितिका चलो मेरे साथ। मुझे छोड़ दीजिए। ऐसे उसे तोड़ नहीं पाओगी। You will hurt yourself. See, Ritika, don't get me wrong. I respect women. अगर मैं तुम्हें हथकड़ी नहीं पहनाता तो तुम भागने की कोशिश करती, गिर जाती, चोट लग जाती। Shit. ये सब कैसे हो गया प्रभु? उसे कौन ले गया पता भी चलाया नहीं? देखने में वो पुलिस वाला लग रहा था। जरूर उसके डैड ने भेजा होगा। प्रभु, किसी भी रास्ते से जाओ, अपना स्टेट 20 किलोमीटर दूर है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। बेचारे तुम्हारे डैड बहुत टेंशन में। मैं उन्हें फोन कर देता हूँ कि हम लोग घर आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा, बेवकूफों से पाला पड़ा है। हाँ, क्या हुआ? आपकी बेटी मेरे साथ है। हाँ, लीजिए, उससे बात कीजिए। रितिका, मेरी बेटी। सर, स्पीकर पे, स्पीकर ऑन किया है। ओके, बेटी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? I hate you, Dad. I hate you. I'll never forgive you, father. नहीं, मेरी बच्ची। ऐसा मत बोलो। सर, ये कुछ दिन के लिए ऐसे ही बोलेगी। Don't worry, time will heal everything. Are you relaxed now? इस उम्र में तुम लोगों को लव ही सबसे बड़ा लगेगा, उसके लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ समझ में आएगा ये सब गलत था, क्योंकि उस वक्त सोसाइटी में एक स्टेटस की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हें फ्यूचर प्लान करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे चाहिए रितिका। मैं नहीं कहता कि यह लड़का बिल्कुल भी नहीं कमाएगा, बट जिस तरह की जिंदगी तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें दी है, यह लड़का तुम्हें बिल्कुल नहीं दे पाएगा। एंड वन मोर थिंग रितिका, अगर तुम उस लड़की के साथ भाग जाती तो तुम्हारे डैड का पॉलिटिकल करियर फिनिश हो जाता। पता नहीं लव के लिए सभी सेल्फिश क्यों हो जाते। तुम अपना लाइफ पार्टनर चूज करो, गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए उम्र और समझदारी की भी जरूरत है। देखो, वो लड़का तुम्हें बचा नहीं सका, अब तुम्हें मेरे हवाले करके खुद भाग गया। वो मेरे लिए आएगा। लवे लवे, बोली कवे। तुम लोग सपनों में जीते हो, हकीकत दिखाई नहीं देती। तुम्हारे फ्रेंड ने तो कुछ और ही कहानी बताई थी। उस इडियट दीपक के कहने पर मैंने प्रभु को अवॉइड किया था, फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से दीपक घर चला गया। क्या तुम मेरी फीस भर सकती हो? कार्तिक, लाओ, मैं तुम्हारी फीस भर देती हूँ। ये लो, थैंक्स। तू जो सोच रहा है, क्या लाओ? इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये मुझे क्यों फॉलो करता रहता है? Doesn't look you are avoiding him. He is avoiding me. प्रभु, दीपक ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। तुम बहुत ही चीप कैटेगरी के लड़के हो। हम कल सुबह बात करेंगे, तुम अभी नशे में हो जाओ। क्या ब्रो, गुस्सा क्यों हो रहा है? अबे जाना। ठीक है, ओ भूलना मत ब्रो, health is wealth, पीना मत तू, ओके? हाँ ठीक है, जाता। देख भाई, मैं तेरे को देख रहा हूँ। हाँ, अरे देख कर चल। ए, फिकर नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अभी नशे में हो, घर जाओ, कल बात करेंगे। ये बस फ्रूट जूस है, मुझे नशा नहीं हुआ है, बस मुझे धोखा हुआ था कि तुम अच्छे लड़के हो। अगर दीपक नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। ए, पागल हो क्या? जबान संभाल कर बात करो। क्या कहा? इन 6 महीनों में हम 25 बार अलग अलग बार में मिले, तभी तुम्हें लगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ। अब किसी ने कुछ कहा तो तुम्हारी सोच बदल गई, तो तुम्हें पागल नहीं तो और क्या कहूँ? तुमने मेरी इंसल्ट की है। I don't want to talk to you. इस वक्त मैं भी तुमसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम नशे में हो। चलो यार, दिमाग खराब हो गया। ठीक है, तुम बेकार में टेंशन। देख ब्रो, पीना मत। Health is wealth। Excuse me, light please. हेलो, क्या हुआ बुआ जी? रितिका, कहाँ हो तुम? मैं निशा के घर पर हूँ। तुम कहीं बाहर तो नहीं हो ना? नहीं बुआ, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही पूछ रही थी। ऐसा करो, जल्दी घर आ जाओ, कल मेरा न्यूज़ छपने वाला है। हे, मेरे साथ डांस करोगी क्या? हर 5 मिनट में हेल्थी वेल्थ बोल रहे हो। तुम्हें उसके हेल्थ के बारे में इतनी फिक्र है? अरे पागल, इस सिटी में पीकर गाड़ी चलाने से फाइन भरना पड़ता है। आज उसको गाड़ी चलानी थी, अगर आज वो पीकर गाड़ी चलाता तो फाइन मुझको भरना पड़ता, और वैसे भी वो नहीं पिएगा तो मेरे ही पैसे बचेंगे।
इसीलिए हेल्थ इज वेल्थ। ला एक और गिलास ला। हमें क्यों बाहर निकाल रहे हो? कोई भी यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। सब लोग बाहर जाओ। तुम लोग यहीं रुको, बाहर मत आना। चलो चलो बाहर बाहर। हम लोगों ने पुलिस की परमिशन ली है सर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। पुलिस पुलिस गया, तेल लेना, चल बाहर निकल। अरे सर नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपको सुनाई नहीं दिया क्या? बंद कर, बंद कर, मैं तोड़ डालूंगा। चलो चलो चलो। अलग से बोलूं क्या? चल बाहर निकल। तेरे को अलग से नोटिस दूं क्या? चल बाहर निकल, बोला ना। इस पैक को पिए बिना मैं नहीं जाऊंगी। क्लास मत दिखा, बोला ना। चल बाहर निकल जल्दी, तू कोई स्पेशल है की पी कर जाएगी। चल निकल। हिम्मत कैसे हुई? मेरे ऊपर हाथ उठाएगी, ये ले। रुको, रुको, अरे इसने मुझ पर हाथ उठाया, जाओ, छोड़। इसने थप्पड़ मारा मुझे। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बोला ना, बाहर जाओ, चलो। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाहर पर हाथ उठाती है, मुझ पर हाथ उठाएगी, मुझे मारेगी, ये ले। बहुत हैकड़ी है ना तुम्हें, आज मैं तेरी सारी हैकड़ी निकाल के रख दूंगा, ये ले। हाथ उठाती है मेरे ऊपर। कोई बाहर नहीं जाएगा, सबको याद कराओ। भेड़िया जब तक नहीं आती यही रुको साहब, फिर मैं बताता हूँ तुम लोगों को कि आगे क्या करना है। हाथ उठाता है, हट। अब दिखाता हूं तुझे। पार्टी के लोग थे, मुझे देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रभु, इमरजेंसी दिस साइड। इज शी ऑल राइट? प्लीज डॉक्टर, पुलिस केस की जरूरत नहीं है। इट इज एन इमरजेंसी केस, मुझे एक्सीडेंट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। उसके पेरेंट्स को आने को बोलिए प्लीज। डॉक्टर, हम घर बताए बिना पार्टी में गए थे। आप जानते हैं लड़कियों को इन सब चीजों की आदत लगाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को बुलाइए आप। डॉक्टर, लड़की के पेरेंट्स अविनाश पटेल की बेटी है सर। क्या बोला? पॉलिटिशियन अविनाश पटेल की बेटी। बड़े लोगों की प्रॉब्लम उनके बच्चे ही होते हैं। डॉक्टर ने कहा इंतजार करना पड़ेगा। तुम खड़ी क्यों हो? बैठो। हाँ बोलो। यार मैं कार लेकर आया हूँ। कहाँ खड़ा है? हॉस्पिटल के सामने चाय की दुकान में खड़ा हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ।
रितिका, रितिका, चाय या कॉफी पियोगी? बहुत गर्म है। अगर मैं निशा के पेरेंट्स के तौर पर तुम्हारे डैड का नाम नहीं लेता तो इलाज नहीं होता। नथिंग रॉन्ग इन इट। कम से कम एक बार तो उनका नाम किसी अच्छे काम के लिए यूज हुआ है। पैसे दे उसे। कितने हुए? वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा हुआ उस दिन तुम थे, नहीं तो पता नहीं हम क्या करते। अब मैं कभी भी ऐसी किसी भी जगह पर नहीं जाऊंगी। लेकिन इसके बिना तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। लिमिट के अंदर जो भी करो कुछ गलत नहीं होता। तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो। ऐसे ही मतलब? इतने बैलेंस्ड, इतने मैच्योर, एक प्रोफेसर की तरह। बुआ जी, निशा के घर से उसी के साथ ही आ रही हूं मैं। मेरी इमेज डैमेज की और झूठ भी बोल रही है। पूछो उससे कहां गई थी। मैं निशा के घर पर थी बुआ जी। देखो झूठ बोल रही मत करो। इसे यहां रहने की जरूरत नहीं है, अपने साथ ले जाओ इसे। भैया लेकिन इसकी पढ़ाई पढ़ाई करेगी, सारे सब्जेक्ट में फेल है ये। मैं आर्ट्स लेना चाहती थी लेकिन आप ही ने कहा कि आपकी बेइज्जती होगी इसलिए मुझे इंजीनियरिंग करनी पड़ी। ए, अपने पिताजी से ऐसे बात करते हैं? ऐसा क्या हो गया जो इतना गुस्सा कर रहे हैं? तू चुप कर। भैया बच्चे ऐसे ही होते हैं। सवाल पूछने पर प्रेस वालों पर अविनाश पटेल ने हमला किया। सर, कल रात पब में ड्रग्स की ओवरडोज लेने के कारण आपकी बेटी हॉस्पिटल में भर्ती है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? सर बताइए सर। मंत्री पटेल से सवाल पूछने पर रिपोर्टर्स पर हमला किया गया और इस वजह से बहुत बवाल मच गया है। वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन के दौरान पब में होने वाली पार्टी को पटेल के पार्टी वर्कर्स ने बंद करवाई और आज पटेल रिपोर्टर्स से बात करते वक्त रिपोर्टर्स ने कहा कि उनकी बेटी भी ड्रग्स ओवरडोज की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती है और ये सवाल पूछने पर मंत्री अविनाश पटेल ने उस रिपोर्टर पे हमला किया। इस वजह से अविनाश पटेल के घर के बाहर लोगों ने घेराव किया है। पर अविनाश पटेल है कि रिपोर्टर से माफी मांगने को अब तक तैयार नहीं हुए हैं। मंत्री अविनाश पटेल अपने पॉलिटिकल पावर का मिसयूज कर रहे हैं। इस खबर की आगे की जानकारी के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए। मेरी फ्रेंड को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे थे इसलिए मैंने डैड का नाम यूज किया। सबसे कहता हूँ बच्चों की परवरिश अच्छी करनी चाहिए, पर मेरी ही बेटी नालायक है। किस्मत ही फूटी हुई है। ये यहाँ रही तो मेरी राजनीति पर असर पड़ेगा। इसे अपने साथ गांव ले जाओ। सिर्फ एक ही साल की तो बात है भैया, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, कम से कम इसे ग्रेजुएशन तो कर लेने दो भैया। मेरे डैड को अपनी फैमिली से ज्यादा पॉलिटिकल करियर की चिंता थी। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। नाउ इट्स ओके, अभी तो तुम ठीक हो ना? मुझे प्रभु का नंबर दे सकती हो? ओके, लेकिन तुम्हें उसका नंबर क्यों चाहिए? मैं उसे थैंक यू कहना चाहती हूँ और उसके साथ डिनर पे जाना चाहती हूँ। बट व्हाट अबाउट योर बॉयफ्रेंड? जब मुझे उसकी जरूरत थी तो वो नहीं था, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। मैंने फैसला कर लिया, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। प्रभुस नंबर, लगता है मेरे फोन में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उससे कह दूंगी कि तुम्हें उसका नंबर चाहिए। क्यों चाहिए? निशा तुमसे बात करना चाहती है, वो तुम्हारे साथ डिनर पर भी जाना चाहती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जा सकते हैं। लेकिन वो तुम्हारे साथ अकेले डिनर पे जाना चाहती है। अच्छा। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे अलावा किसी और लड़की के साथ कभी डिनर पे नहीं जाते। तो तुम्हें बताओ क्या करूं? नो, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ, तुम्हारा जो मन करता है वो तुम करो। वो अभी कहाँ है? क्लासरूम में। मैंने तो प्रभु से कह दिया कि उसे जो मन में आए वो करे, लेकिन जब वो निशा से बात करने गया मैं बहुत नर्वस हो गई थी क्योंकि निशा बहुत आउटस्पोकन गर्ल थी और यह भी हो सकता था कि प्रभु को निशा पसंद आ जाए, मुझे डर था। हेलो, हाँ निशा? उसने कहा हम सब साथ में चलेंगे। सी, आई टोल्ड यू ना, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। प्रभु,
सॉरी। सॉरी किस लिए? तुमसे झूठ बुलवाया इसलिए। फिर भी मैंने तो सच ही बोला है। क्या मतलब? मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। क्या तुमने लड़की को पटा लिया है? ए जाना। लगे रहो प्रभु भाई, बाद में बात करता हूँ। सारे दोस्त पागल हैं, उठपटांग बातें करते रहते हैं। I liked what he said. आज मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, 13th year। कहते हैं कि मैं उनकी लाश के पास ये समझकर सो गई थी कि मेरी मॉम भी मेरे पास सो रही हैं। मॉम कैसी थी, क्या बातें करती थी, कुछ भी याद नहीं, सिर्फ उनका ठंडा शरीर याद है। आज भी उनके बारे में सोचती हूँ तो डर लगता है। मॉम के नहीं होने की वजह से डैड ने मुझे इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। उस स्कूल में भी मुझे मॉम की याद आती थी, लेकिन उनके ना होने की वजह से इनसिक्योर वाली फीलिंग रहती थी। भले ही साथ में कितने भी लोग हों, मुझे अकेले होने का एक अजीब सा डर रहता था। और उस डर को हटाने के लिए मैंने एक फ्रेंड बनाया, वो था टेडी। स्कूल में दीपक जैसे बहुत फ्रेंड्स थे मेरे, लेकिन टेडी के जैसे वो सिक्योर फीलिंग मुझे कोई नहीं दे पाता था। वो फीलिंग मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ महसूस हुई। तुम्हारे साथ लगता है कि मुझे लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। कभी कभी तुमसे बात करते वक्त लगता है कि मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानती प्रभु कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हारे साथ नहीं होता। तुमने बता दिया कि मैं तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ, लेकिन मैं नहीं कह पाया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम मेरे लिए सब कुछ हो। अब जबकि तुम मेरी फीलिंग्स जान गई हो तो इनसिक्योर होना बंद कर दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। आप जाइए, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाऊंगी। हाय रितिका, अंदर आओ। तुम्हारी ओनर कुछ बोलेगी तो नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं बोलेगी। आओ अंदर आओ। प्रभु, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि गेस्ट नॉट अलाउड। 5 मिनट आंटी। पिछले कुछ दिनों से मुझे कुछ अजीब सा ही फील हो रहा है। एवरी सेकेंड आई थिंक ऑफ यू। और तुमसे बात करने के बहाने ढूंढती रहती हूँ। अगर तुम मेरे साथ होगे तो मुझे। निजी लड़कों ने तो हद कर दी, इनको निकालना ही होगा। मैंने तो सिर्फ 4 को ही रहने के लिए दिया था। तुम इंतजार करो, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर बाहर जाकर बात करते हैं। प्रभु, यू रियली वॉन्ट टू गो आउट नाउ? रितिका, तुम इमोशनल हो रही हो, हमारा यहाँ बात करना ठीक नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ बात करने नहीं आई हूँ। I want to hug you. I want to kiss you. I. Ritika, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये वक्त इन चीजों के लिए सही नहीं है। तुम कितने बोरिंग इंसान हो, जब देखो तो एडवाइस ही देते रहते हो। लेकिन इस पूरी दुनिया में मुझे यही बोरिंग इंसान पसंद है। तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ जानना है। मेरे दोस्त के पिताजी रिटायरमेंट के पैसे से घर बना रहे थे, तब एक पुलिस वाला उन्हें तंग कर रहा था, यहाँ तक कि उन्होंने जान देने का फैसला कर लिया। फिर एक दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर पुलिस वाले की बहुत पिटाई की। उस वक्त तो मेरे दोस्त ने पिताजी का घर बना लिया, लेकिन पुलिस वाला केस अब भी खत्म नहीं हुआ। 2 महीने में एक बार कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ती है, पता नहीं केस कब खत्म होगा। ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी तुमने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब तुम मेरे साथ होते हो, आई फील सो हैप्पी। आई वॉन्ट टू शेयर दैट हैप्पीनेस विद यू। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आज हम कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से कल पछतावा हो, ऐसा मैं नहीं चाहता, इसलिए रोक रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो रो क्यों रही हो? I love you. I really love you, प्रभु. I love you so much. उस वक्त वो जो भी मुझे करने को कहता मैं कर देती, ये प्रभु भी जानता था, लेकिन उसने कोई फायदा नहीं उठाया। इनफैक्ट उसने मुझे समझाया। आओ दीपक, अभी आए क्या? हाँ, दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था। ठीक है, मैं ऊपर वेट करता हूँ। तुम इसके साथ दोस्ती मत रखो, उसने तुम्हारे बारे में बहुत भला बुरा कहा, वो अच्छा लड़का नहीं है। वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन
कभी कह नहीं पाया इसलिए वो मेरे बारे में झूठ बोल रहा था। बाकी लड़का अच्छा है वो। तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि वो तुम्हें लव नहीं करता बल्कि एक्सप्लॉइट करना चाहता है। जो इंसान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना नहीं चाहता, आई एम श्योर उसका कोई अल्टीरियर मोटिव जरूर होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब मैंने उसे मुझे भगाकर ले जाने को कहा, प्रभु प्लीज टेक मी विद यू, एग्जाम्स के बाद मेरे डैड मुझे बुआ के घर भेज रहे हैं और आज डैड किसी को मेरा पासपोर्ट देकर वीजा के बारे में बात कर रहे थे। मुझे कहीं नहीं जाना प्रभु, मुझे अभी के अभी अपने साथ ले चलो प्लीज प्लीज प्रभु प्लीज अपने साथ। रितिका, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने नहीं आया। तुमने कहा मैं नहीं मिलूंगा तो जान दे दोगी, इसलिए आया हूँ। अगर तुम जान दे दोगी तो मैं जान नहीं दूंगा, लेकिन मुझे हर पल हर वक्त एक दर्द महसूस होगा। क्या तुम्हें यह मंजूर है? मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन वो मुझसे कहकर गया कि मेरा घर से भागना ठीक नहीं है। मेरे डैड ने मुझे घर में बंद कर दिया। उसने निशा से खबर पहुंचाई कि वो एग्जाम के आखिरी दिन मुझे ले जाएगा। रितिका, तैयार हो ना? चलो। वो जो कर रहा है प्लानिंग के साथ कर रहा है, इसलिए दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो मुझे लेने के लिए जरूर आएगा। तो जितना भी समझाओ ये लड़कियां समझती नहीं है। बॉयफ्रेंड कोई सुपर हीरो नहीं होता। ही इज डिफरेंट, वो मुझे लेने जरूर आएगा। Get inside. No. Get inside, I said. No, तू मुझे मारेगा, मुझे मारेगा। No.
मेरी उंगली के बराबर हो। मुझे एक स्टेट से दूसरे स्टेट भगाया। थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगा। तब तो आपको चिंता करनी चाहिए। हाँ पार्वती, मैं काफी देर से ट्राई कर रही थी, स्विच ऑफ बता रहा है, क्या बात है? मैं कुप्पम में हूँ। कुप्पम में? वहाँ क्या कर रहे हो? वो पटेल की बेटी की एक बड़ी लव स्टोरी है। अपनी लव स्टोरी जैसे? नहीं नहीं, अपने जैसी नहीं है, छोटे बच्चे हैं, नथिंग सीरियस। आपको उससे क्या लेना देना? अर्जुन की पार्टी का याद है ना? या आई बी ऑन टाइम। अच्छा, अर्जुन को सरप्राइज के बारे में मत बताना। मैं नहीं बताऊंगी, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। ठीक है, चलो जल्दी आता हूँ, बाय। कर्नाटक स्टेट स्टार्ट्स and here ends your love story. प्लेट छोटी होती है लेकिन सही जगह रखी जाए तो बड़ा काम करती है। खोलो से। मेरे पास गन है, मैं शूट कर दूं। गन से शूट करने के लिए तुम्हें 30 सेकंड तो लगेंगे और इस ब्लेड से गला काटने के लिए सिर्फ 3 सेकंड काफी है। रितिका, हथकड़ी लेकर यहां पहना दो सर को। प्रभु, मैं तुम्हें वार्न करता हूं, तुम पछताओगे। पीछे हटो। ए प्रभु, रितिका उसके साथ मत जाओ। ए भाई, ए ड्राइवर भाई, जरा इधर आना, जल्दी आओ, डैशबोर्ड में चाबी है, जल्दी निकालो। हेलो रामू, तुम्हारे आदमी को उसका वॉइस ट्रैक करने के लिए कहो। हम ऐसा क्यों करें सर, वो अक्यूज्ड है सर। हमें करना होगा, उसने मेरे गले पे ब्लेड रखा था। सर, आई डोंट बिलीव दिस, वो आपका शेविंग करने वाला था क्या सर? लेकिन सर वो शट अप, जो मैं कहता हूं वो करो। तुम्हारे आदमी का प्रभु का वॉइस ट्रैक करने के लिए कहो। हेलो, सुनाई नहीं दे, यू इडियट। अभी सुनाई दे रहा सर। तुम्हारे आदमी को उसका वॉइस ट्रैक करने के लिए बोलो। ओके ओके सर, ओके सर, करता हूं सर। हाँ बोलिए सर। एक वॉइस ट्रैक करनी है। नहीं सर, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। फोन करके बोल रहा हूँ इसलिए ना कर रहे हो, ये बहुत अर्जेंट है, नहीं तो मैं खुद ही आ जाता। एसी साहब ने बोला इसे तुरंत करना है, चाहे कैसे। अभी नहीं हो सकता सर, मैं अपने आदमी से पूछकर बताता हूँ सर, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। सुरेश, एक वॉइस ट्रैक करनी है, बहुत ही अर्जेंट है, कितना टाइम लगेगा? अगर वॉइस सैंपल होगा तो 2 घंटे में हो जाएगा। सर उसकी वॉइस मेल कर दीजिए, 2 घंटे में करके बता देता हूँ, उसमें वॉइस सैंपल भेज दो। ठीक है। हाँ पार्वती बोलो। मनोज सब रेडी है, तुम आओगे तो स्टार्ट कर सकते। मेरे लिए वेट मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। उसके फ्रेंड्स आ गए? उसके फ्रेंड्स को आकर 1 घंटा हो गया, अर्जुन तुम्हारा वेट कर रहा है। तुम लोग स्टार्ट करो, मैं आकर के ज्वाइन करूंगा। मनोज ये गलत है, पहले ही बता देते कि तुम नहीं आओगे तो मैं अर्जुन को समझा देती। वो अपने फ्रेंड्स को कह रहा है कि तुम्हारे आने के बाद। अर्जुन को फोन देना जरा। अर्जुन, डैड का फोन है।
वो तुमसे बात नहीं करना चाहता है, फौरन घर आने को कह रहा है, उसे समझाना मुश्किल है, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। नहीं पार्वती, एक्चुअली मैं सेट कर दिया सर। ऑल सेट सर, अब वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर बात करेगा, उसे पकड़ सकते हैं। क्या हुआ तुम्हें? अब तक तो सब रिलेटिव्स को पता चल गया होगा, घर पर कितना हंगामा हुआ होगा। किसी से बात करनी है? सिर्फ बुआ से। क्या हुआ? फोन का जवाब क्यों नहीं देते? आपकी बेटी को वापस लाने से भी वो शायद आपके साथ नहीं रहेगी। क्या बात कर रहे? वो लड़का उसे छोड़ ही नहीं रहा सर, उसके पीछे ही लगा है। मनोज, उसे जरा ठीक से समझाओ। आपकी बेटी फिर से उसके साथ भाग गई सर। क्या बकवास कर रहे हो, मेरी बेटी तुम्हारे साथ थी? वो थी सर, बट अभी नहीं है। तुमसे नहीं हो रहा तो कह दो, मैं अपने तरीके से इस मैटर को डील करता हूँ। सर आप टेंशन मत लो सर। ए! तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, मेरी बेटी को किसी भी तरह से यहाँ लेकर आओ। अगर नहीं ला सकते तो फिर उस लड़के के साथ मेरी बेटी को ही मार दो। What? मेरी बेटी उस लड़के के साथ रहे, उससे अच्छा है कि वो मर जाए। ओके सर, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। हेलो, हेलो बुआ, मैं प्रभु बोल रहा हूँ। रितिका आपसे बात करना चाहती है, एक मिनट। सर उसे लोकेट कर लिया, वो इसी एरिया में है। आप लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दीजिए और अपने आदमी को भेज दीजिए। ये अनऑफिशियल केस है, तुम अपने लड़कों को भेजो। फोटोस आ गई सर। शिवा। हाँ भाई। जरा ये फोटो देखो। नहीं बुआ जी, ये मेरी देखभाल अच्छी तरह से करेगा। ये मुरली अब तक आया क्यों नहीं? वो देखो, वो आ गया। मुरली। ए, कब से तेरा वेट कर रहे थे हम, कितनी देर लगा दी आने में तूने? आते वक्त रास्ते में दारू सस्ती मिल रही थी तो वही पीने लग गया था यार। ये क्या मुरली, ये भी कोई पीने का टाइम है यार? दारू पी है इसीलिए तो सच बोल रहा हूँ यार। ए, रुको रुको रुको। ए, वो देखो वही है ना वो। लगता है ये लोग हमें ढूंढ रहे हैं। चलो यहाँ से। एसी को फोन करो। मुरली का फोन आ गया। हाँ मुरली बोल। हेलो, प्रभु को फोन दो। प्रभु को? हेलो प्रभु, तेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी मेरे पास है। कंडीशन बहुत सीरियस है, तुरंत ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। उसका जिंदा रहना या मरना तुम्हारे हाथ में है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करोगे तो वो जिंदा रहेगा। प्रभु
वो झूठ बोल रहा है, उसने मुरली को मारकर उसका फोन ले लिया होगा। मैं जाकर देखता हूँ उसे। मुझे सब सुनाई दे रहा है। तू कहाँ जाकर देखेगा? अरे मैं 2 मिनट में आता हूँ, मुरली हमारे पीछे ही था। कार्तिक सुन, मेरी बात मान लो, तुम्हारा दोस्त बच जाएगा, मुझे वो लड़की चाहिए। उसे मेरे पास छोड़ दो और तुम्हारे दोस्त को ले जाओ। टाइम इज रनिंग आउट प्रभु, फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें वो लड़की चाहिए या दोस्त? चॉइस इज योर्स। प्रभु बोल, क्या हुआ प्रभु? वो प्रभु क्या हुआ बोलना। मुरली की गाड़ी ना, वो मुरली की गाड़ी वहां रास्ते में पड़ी थी यार, पूरी तरह डैमेज हो गई है वो। वहां कोई भी नहीं था, मैंने आसपास देखा, मुरली कहीं नहीं दिखा यार। लगता है मुरली को उन लोगों ने उसे कहीं कुछ हो गया तो रास्ते में मुरली का खून भी पड़ा हुआ था यार। हेलो, मुरली का एक्सीडेंट हो गया। क्या एम्बुलेंस को फोन किया? अगल बगल में कोई हॉस्पिटल है या नहीं? जी जो मुरली पुलिस वालों के पास है, पुलिस वाले ने हमें फोन करके बताया। वो चाहता है मैं रितिका को लेकर नए चितूर बाईपास रोड के पास जाऊँ। अब मैं क्या करूँ? तुम वहीं पर वेट करो, मैं किसी को भेजता हूँ। तब तक मुरली को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा उसे, और बुलाए तो अकेले मत जाना वहाँ। मेरे दोस्त मेरे साथ है। करना है 12 बजे के बाद करना। प्रभु तू रितिका को लेकर निकल, हम सब हैं ना, मुरली का मैटर हम लोग देख लेंगे। हमारी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? नहीं। क्या मतलब, तुम रितिका को उस आदमी के हवाले कर दोगे? इतना रिस्क हम लोगों ने इसीलिए लिया था? क्यों भाई, उस दिन हमें अंडरवेयर में खड़ा किया था ना, हमारी कितनी बेइज्जती हुई थी, बदले में हमें भी कुछ करना होगा। अगर दुनिया को पता चल जाएगा उसकी बेटी तेरे साथ भाग गई है तो वो राजनीति नहीं कर पाएगा, उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो हमने इतना रिस्क लिया है, तेरे प्यार के खातिर। देख तू, मुरली से ज्यादा क्या ये नहीं, तो तुम दोनों का प्यार इंपॉर्टेंट है। अच्छा कंफ्यूज मत कर, तू जा, मुरली का मैटर हम संभाल लेंगे। मैं वापस चली जाती हूँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती थी, लेकिन हमारी वजह से अगर मुरली को कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। प्रभु उसे कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे वापस ले चलो।
जाने के लिए कोई तो रास्ता होगा। सर अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ पार्वती, मैं बाद में बात करता हूँ, मैं बिजी हूँ। बर्थडे के दिन तुमने हमारे बेटे को रुला दिया, ऐसा भी क्या जरूरी काम है? सीरियस ने समझ में नहीं आती तो बात मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एक लड़का और लड़की को पकड़ना इतना इंपॉर्टेंट काम है, पूरा दिन लगा दिया उसके लिए। तुम समझ नहीं रही हो, वो बहुत गलत लड़का है। मेरे पिताजी ने भी तुम्हारे बारे में यही कहा था। उसे मारने तक गया और तुम कहती हो कि मैं उसे छोड़ दूं। हम दोनों ने जो किया था ये दोनों इस वक्त यही कर रहे हैं। तुमने प्यार किया तो सही था, दूसरा कोई करे तो गलत है। तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, हम उसी रास्ते से जाएंगे। Thank you.
हैप्पी बर्थडे। अब भागने की जरूरत नहीं है, ये 18 साल की हो गई है। अच्छा, ये 18 साल की होगी? तुम्हें तो मार सकता हूं, टेररिस्ट बोलकर यहीं टपका डालूंगा। चलाओ गोली। तुम मुझे नहीं मार पाओगे, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। पता है तुम गोली क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि तुम जानते हो मैं सही हूं। मेरी बेटी को किसी भी तरह से यहां लेकर आओ। अगर नहीं ला सकते तो फिर उस लड़के के साथ मेरी बेटी को ही मार दो। पागल लड़का, रितिका के डैड पावर के लिए किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन ये लड़का तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार है। जाओ। तुम्हें क्या लगा हैप्पी एंडिंग हो जाएगा? इट्स अ टफ बिगनिंग, बहुत सारी जिम्मेदारी आएगी, आसान नहीं है। बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के और बिना पढ़ाई की जिंदगी जीकर देखो, तब पता चलेगा मंजिल कितनी कठिन है।